पब्लिक टीवी आपकी आवाज। शहर से आर्टिजनों का पलायन रोकने के लिए मुरादाबाद फेयर ट्रेड प्राइमरी प्रोड्यूसर एसोसिएशन ने गंभीरता से कदम उठाने का ऐलान किया है। लाजपत नगर में एसोसिएशन के बोर्ड की मीटिंग में कारोबार के क्षेत्र में अपेक्षाकृत कमजोर निर्यातकों, कारखानेदारों और आर्टिजनों की मदद के लिए विशेष कार्य योजना तैयार करने पर मंथन किया है। मुरादाबाद में एसोसिएशन के गठन के बाद इसके बोर्ड की हुई पहली बैठक में कहा गया कि इस क्षेत्र में कदम रखने वाले सभी लोगों को कारोबार बेहतर करने के लिए हर मुमकिन सहायता की जाएगी। संयुक्त आयुक्त उद्योग देशराज गौतम, फेयर ट्रेड प्राइमरी प्रोड्यूसर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर सैयद गानिम, अब्दुल अजीम, विनय मंगला, शैलेंद्र कुमार चावला, जियाउर रहमान, मुख्तार हुसैन, राशिद अली, मोहम्मद शाहिद, हाजी अनीस, अतहर जमाल, अब्दुल वहाब के साथ और भी लोग मौजूद रहे। क्या वजह है कि पॉल्यूशन जो है उस पर चिड़ है, तो पुराने शहर को जहाँ भट्टियां लगी हुई है वहाँ का तो माइक्रो सही आ रहा है और वो यहाँ से 8 किलोमीटर दूर जाके और पश्चिम बिहार में पॉल्यूशन शो कर रहा है। अभी कोई टेक्नोलॉजी मेरी समझ में नहीं आती कि यहाँ का पॉल्यूशन वहाँ पे शो कर रहा है। अगर भट्टियों से पॉल्यूशन है तो सबसे पहले प्रॉपर पुराने शहर में होना चाहिए। पुराने शहर में जब 10,000 भट्टियां थी तब पॉल्यूशन नहीं था, आज 2,000 भट्टियां रह गई तो इससे पॉल्यूशन कैसे होगा? इसका जवाब डीएम साहब ने पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से पूछा तो वो भी उसका जवाब नहीं दे पाए। उद्यमी है, कारीगर है, उसको हम लोग कैसे मदद करते हैं, उसको और बेहतर करें। हमें दो तीन चीज़ें नई सामने आई, जो नया कॉन्सेप्ट, अभी तक एक्सपोर्टर चीज़ों को ये देख रहा था कि हमारा कोई सीक्रेट न जान पाए, हमारा प्रोडक्ट न जान पाए, हमारा बाय न जान पाए, क्या बेच रहे हैं न जान पाए। लेकिन अभी विनय मंगला जी ने जो ये बात कही कि हम ग्लोबल मार्केट को तभी कंप्लीट कर सकते हैं जब अगर 10 लोग हैं, कम से कम 10 लोग मिल करके देखें कि क्या मार्केट है और उसको कैसे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसमें चाहे वो डिजाइन को लेकर के हो, चाहे वो कीमत पे लेकर के हो, चाहे हमारे बायर की क्रेडिट को लेकर, अगर एक बायर हमारा किसी एक के साथ खराबी करता है तो निश्चित रूप से वो अगले के साथ अच्छा ही नहीं करेगा, तब तो उसकी आदत में शुमार हो चुका होगा। निश्चित रूप से नए कॉन्सेप्ट हैं और जो यंग जनरेशन है वो निश्चित रूप से इन चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अब ट्रेड सीक्रेट शायद नहीं रहा। हम लोग सरकारी मशीनरी से जुड़े हुए हैं तो भले ही इस बात को कहते रहे फोरम पे, लेकिन अब जब एक्सपोर्टर्स और उद्यमी की तरफ से बात आती है कि हाँ ट्रेड सीक्रेट्स वो चीज़ें नहीं रही जिनको हम छुपा कर रखें, अब तो ये है कि जितना हम अपने आप को अपने काम को एक्सपोज करेंगे, शो करेंगे, दिखाएंगे, तभी हम चीज़ों को बड़ा पाएंगे। एक चीज़ मैं आप लोगों का शेयर करना चाहूँगा, मैं जयपुर गया था, काफ़ी दिन पहले की बात है, एक ट्रेनिंग में गया था तो जयपुर में एक शोरूम था,
तो हम लोग बिल्कुल ये मन बना के गए थे कि हमें यहाँ से कोई शॉपिंग वॉपिंग बिल्कुल नहीं करनी है। और जो उसपे सामान बेचने वाले खाने वाले लोग थे वो अपने यूपी के यहीं के लोग थे, तो हम लोगों का माइंड सेट था कि हम लोग यहाँ से कुछ भी खरीदेंगे नहीं।